हेलो फ्रेंड्स मेरीटा के क्रिएशंस पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज मैं आपके लिए ये खूबसूरत से बेबी शूज़ लेकर आई हूँ ये शूज़ न्यू बेबी से लेके कर तीन महीने के बच्चे को ईजीली आ जाएंगे और ये शू बनाने बहुत ही आसान है और ये बनकर बहुत ही खूबसूरत लगते हैं ये शूज़ के लिए हमने फिफ्टी वन फंदे लिए हैं इक्यावन फंदे लिए हैं और फंदे हमने ये दस नंबर की सिलाई पे डाले हैं और फंदे आपने लूज ही डालने हैं आपने ये टाइट फंदे नहीं डालने अब ये हमारी रॉन्ग साइड है रॉन्ग साइड से हमने ये सारी सिलाई उल्टी बुनाई करनी है सारे फंदों को हम उल्टा ही बुनाई करेंगे आखिर का फंदा हम सीधा बुनाई करेंगे अब हम ये सीधी साइड आ गए राइट साइड तो सीधी साइड से हमने पहला फंदा उतार लेना है और ये सारे फंदे हम उल्टे बुनाई करेंगे अब हम सीधी साइड से भी उल्टा बुनाई करेंगे और उल्टी साइड से भी उल्टा ही बुनाई करेंगे ये हम शू का बेस बनाएंगे ये हमारे शू का बेस बनकर तैयार हो गया है ऐसे करके हमने एक दो तीन चार पाँच ये पाँच धारियाँ बनाई हैं तो टोटल हमने ये ग्यारह सलाइयाँ बुनाई की हैं ये हमारे टोटल इक्यावन फंदे हैं फिफ्टी वन स्टिचेज हैं तो इनको हम तीन भागों में बांटेंगे तो हमने चौबीस चौबीस फंदे दोनों साइड रखेंगे और बीच में हमारे तीन फंदे होंगे तो अब हम सीधी साइड से ये देखिए अब ये हमने दूसरे रंग का बूल अटैच कर लिया है अब हम पहले चौबीस फंदे सीधे बुनाई करेंगे ये हम दूसरे रंग से बुनाई कर रहे हैं दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस और चौबीस ये हमने चौबीस फंदे बुनाई कर लिए अब ये देखिए हमारे ये बीच के तीन फंदे आ गए एक दो तीन ये दो फंदों को हमने ट्विस्ट करना है तो हमने इधर से देखिए ऐसे सलाई लेके ये दो फंदों को हमने पलटा दिया ये बीच वाला फंदा देखिए हमारा इस साइड आ गया और ये फंदा हमारा बीच में चला गया अब इन दोनों फंदों को हमने इस सलाई पे ले लेना है और अब हम तीनों फंदों को ये वाले फंदे को भी साथ में बुनाई करेंगे और ये तीनों फंदों को हमने पीछे से ऐसे एक बना देना है फिर बाकी बचे चौबीस फंदे हम सीधे बुनाई कर देंगे अब हम ये रॉन्ग साइड आ गए उल्टी साइड उल्टी साइड से हमने पहला फंदा उतार लेना है और ये सारी सलाई हम उल्टी बुनाई कर देंगे ये देखिए अब हम फिर सीधी साइड आ गए ये देखिए यहाँ पर बीच में हमारे ये फंदे घटते जा रहे हैं और ये सी बनती जाएगी अब हम फिर से पहले वाले रंग से बुनाई करेंगे तो अब हम ये तेईस फंदे बुनाई करेंगे तो अब हम ये पहले वाले रंग से तेईस फंदों को बुनाई करेंगे अब ये देखिए बीच में हमारे तीन फंदे आ गए एक दो तीन इन दोनों फंदों को हमने ऐसे ट्विस्ट कर लेना है पलटा देना इस साइड ये देखिए ये दो फंदे ये बीच वाला फंदा हमारा इस साइड आ गया ये इधर पहला वाला फंदा हमारा बीच में चला गया अब ये दोनों फंदों को हमने इस सिलाई पे ले लेना है और ये तीसरे फंदे को साथ लेके हमने ये तीनों फंदों का पीछे से एक बनाना है ये देखिए अब बाकी बचे हमारे सारे फंदे हम सीधे बुनाई कर देंगे अब हम ये उल्टी साइड आ गए रॉन्ग साइड तो रॉन्ग साइड से हमने पहला फंदा उतार लेना है और सारी सलाई उल्टी बुनाई करेंगे अब फिर हम देखिए सीधी साइड आ गए और फिर से हमने दूसरे रंग से बुनाई करेंगे अब हम दूसरे रंग से 22 फंदे सीधे बुनाई करेंगे ये हमने बाईस फंदे सीधे बुनाई कर दिए ये देखिए बीच में हमारे तीन फंदे आ गए एक दो तीन अब इनको हमने ऐसे पलटा लेना है ये बीच वाला फंदा हमारा आगे की तरफ आ गया और ये बीच में चला गया अब ये दोनों फंदों को हमने इस सलाई पे लेके अब ये तीसरे फंदे को साथ लेके हमने ये तीन फंदों का एक फंदा बना देंगे ये देखिए बाकी हम फंदे सारे सीधे बुनाई कर देंगे अब हम दो सलाइयाँ एक रंग से बुनाई करेंगे और दो सलाइयाँ हम दूसरे रंग से बुनाई करेंगे सीधी साइड से हम दोनों साइड से एक एक फंदा घटता जाएगा और उल्टी साइड की सारी सलाइयाँ हम उल्टी ही बुनाई करेंगे अब ये हमारे शू का बीच का पार्ट कंप्लीट हो गया है अब हम ये दूसरे रंग की धारियां गिने तो एक दो तीन चार चार हमने दूसरे रंग की धारियां बनाई हैं एक दो तीन तीन हमने ये पहले वाले रंग की धारियां बनाई हैं और यहाँ पर हमारे अठारह फंदे इस साइड हैं अठारह फंदे हमारे इस साइड हैं और बीच का हमारा एक फंदा मिला के ये टोटल हमारे सैंतीस फंदे हैं थर्टी सेवन स्टिचेज हैं अब हम शू का अपर पार्ट बनाएंगे तो कैसे बनाना है अब हम ये पहले वाले रंग से सारी सिलाई बुनाई करेंगे तो ये हमारी सीधी साइड है तो हमने ये सारी सिलाई सीधी बुनाई करेंगे अब हम कोई फंदा नहीं घटाएंगे अब हम ये उल्टी साइड आ गए रॉन्ग साइड तो रॉन्ग साइड से हमने पहला फंदा उतार लेना है और ये सारी सलाई हम उल्टी बुनाई करेंगे अब फिर हम सीधी साइड आ गए अब सीधी साइड से अब हम यहां पर जाली बनाएंगे डोरी डालने के लिए तो वो अब हम कैसे बनाएंगे हमने पहला फंदा उतार लिया एक फंदा हम सीधा बुनाई करेंगे धागा ऐसे करके आगे करेंगे दो फंदों का हम एक फंदा बनाएंगे और यहाँ पर देखिए हमारी ये जाली बन गई फिर धागा आगे करेंगे दो फंदों का हम एक फंदा बनाएंगे फिर धागा आगे करेंगे दो फंदों का हम एक फंदा बनाएंगे अब ऐसे अब हम ये सारी जाली बना लेंगे आखिर का फंदा हम सीधा बुनाई कर देंगे अब हम ये उल्टी साइड आ गए रॉन्ग साइड तो रॉन्ग साइड से हमने पहला फंदा उतार लेना है अब ये सारी सलाई हम उल्टी बुनाई कर देंगे ये देखिए, ये हमारी सारी जाली बन गई अब हम बॉर्डर का पार्ट बनाएंगे तो हमने पहला फंदा उतार लेना है धागा आगे करेंगे अब ये सारी सलाई हम उल्टी बुनाई करेंगे अब हम ये उल्टी साइड आ गए रॉन्ग साइड तो रॉन्ग साइड से हमने पहला फंदा उतार लिया और ये सारी सलाई उल्टी बुनाई करेंगे अब हम सीधी साइड से भी उल्टा बुनाई करेंगे और उल्टी साइड से भी उल्टा ही बुनाई करते जाएंगे ये देखिए ये हमारा शू बनकर तैयार हो गया है हमने ऐसे करके एक दो तीन चार ये चार धारियां बनाई हैं तो हमने ये टोटल सात सलाईयां बुनाई की हैं अब हम उल्टी साइड से इस शू को बंद करेंगे तो हम सारे फंदों को अब बंद करेंगे तो आप ध्यान से देखिए हमने ये दो फंदों को ऐसे एक करना है और ये हमने उल्टा ही बुनाई करना है फिर इस फंदे को हमने सिलाई पे लेना है फिर दो फंदों का एक बनाना है फिर इस फंदे को सलाई पे लेना हमने दो फंदों का एक बनाना है अब ऐसे करके अब हमने ये सारे फंदों को बंद कर देना है अब हम यहां से इस धागे को काट देंगे और यहां से इसको बंद कर देंगे ये देखिए ये हमारा शू बनकर तैयार हो गया अब हम इसकी सिलाई करेंगे तो ये देखिए सीधी साइड हमारी ऊपर की तरफ है अब इसको हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे अब ये उल्टी साइड हमारी ऊपर की तरफ हो गई अब हम इसको यहाँ से लेके यहाँ तक पहले सिलाई करेंगे मैं आपको बताती हूँ कैसे सिलाई करना है अब इसको हम यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई करेंगे ऐसे ही खूबसूरत से शू आप अपने बेबी के लिए बनाएं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें धन्यवाद